ख्वाजा ख्वाजगान शहनशाह हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आपकी विलादत 14 रजब 536 हिजरी मुताबिक 1142 ईस्वी को पीर यानी सोमवार के दिन सिस्तान ईरान का देश मतलब ईरान देश में आपकी विलादत वहां पर हुई। ख्वाजा साहब की तालीम उनके घर पर ही हुई थी। विरासत में आपको एक छोटा सा बाग और एक पंचक्की मिली थी, यानी जो हज़रत इब्राहिम गंदोजी से मुलाकात होने के बाद जब दिल की दुनिया बदली तो उसे बेचकर पैसा गरीबों में बांट दिया और ख़ुद हक की तलाश में निकल पड़े। आपने अपने पीर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह की 20 साल तक खिदमत की। इस दौरान आप हज़रत का बिस्तर, खाने के बर्तन, पानी की मश्क और अपना सामान कंधे पर लाद कर घूमते फिरते। आपने 51 बार पैदल हज फरमाया था और 52 साल की उम्र शरीफ में 587 हिजरी मुताबिक 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाया। और हिंदुस्तान में आप कहाँ तशरीफ़ लाए? अजमेर शरीफ। तो अजमेर शरीफ पहुंचकर आपको इस्लाम की तबलीग शुरू करने से पहले किन किन हालातों से आपको गुजरना पड़ा उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल आपने अपनी रूहानी ताकत से शाही और शैतानी ताकतों का मुकाबला फरमा कर उन्हें जेर फरमाया। आप हमेशा लोगों के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते। आप गरीबों दुखी लोगों के मसीहा बने। इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाकर इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। आपने अजमेर और आसपास के इलाकों में इस्लाम, अमन और शांति का पैगाम घर घर पहुँचाया। आपने एक ही कपड़े में ज़िंदगी बिताई। अल्लाहु अकबर। कपड़े फटने पर पैबंद लगा लिया करते थे। जब कपड़े आपके फटते थे तो उस पर थोड़ा कपड़ा लगा लेते थे। पैबंद लगाते लगाते उसका वज़न 6.5 किलो हो गया। अल्लाहु अकबर। 6 रजब 633 हिजरी में आप अजमेर में पर्दा फरमा गए। पर्दे के बाद आपकी पेशानी पर नूरानी हरफों में लिखा हुआ था, रज़ा हबीबुल्ला अताफ़ी कुतुबुल्ला, मतलब कि ये अल्लाह का दोस्त है जिसने अल्लाह की मोहब्बत में वफात पाई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से हिंदुस्तान में इस्लाम का नूर फैला। बेशक तो इसीलिए किसी शायर ने फरमाया है कि हज़ारों बादशाह बदले, हज़ारों सल्तनत बदली, ना बदली है और ना बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। आपने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। कई कई दिनों तक आप भूखे रहने के बाद सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो कर खा लिया करते थे और आप 24 घंटे के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत फरमा लेते। आपने तकरीबन 70 साल तक लगातार पूरी रात आराम नहीं फरमाया था। मतलब 70 साल तक आपने कोई ऐसी रात नहीं जिसमें आपने पूरी रात आराम किया हुआ।